Hello friends, this is Yev and today we will learn here about the permutation. And the important question on the permutation is that. So friend, hum question ko yahan se read karte hain aur usko solve karenge. Find the number of ways in which 8 differently colored beads can be. Friends, yahan pe hume number of ways find karne hain. Kiske karne hain? 8 different colored beads ho rahe hain. और उसके यहां पे कुछ पार्ट्स हैं उस हवाले से इस क्वेश्चन के ए डिफरेंटली कलर्ड बीड्स फाइंड करने हैं तो फ्रेंड नंबर 1 है अरेंज इट इन अ रो मींस जो 8 डिफरेंटली कलर्ड बीड्स हैं वो हमने एक रो में अरेंज किए हुए हैं तो फ्रेंड क्या होता है एक तो 8 हैं और डिफरेंटली मींस जो 8 डिफरेंटली बीड्स हम यूज करें वो ऑल एट अ टाइम कर रहे हैं मींस इसकी जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन बनेगी फ्रेंड्स वो इस तरह बनेगी कि 8 टोटल नंबर ऑफ और उसके बाद परम्यूटेशन फ्रेंड्स हम all at a time कर रहे हैं तो इसको हम जो selected हैं r element है वो भी 8 रखेंगे friend क्योंकि ये differently word use किया गया है तो इस वजह से यहाँ पे हम r selected हैं वो हम 8 use करेंगे तो friends जैसा कि हमने permutation का formula पढ़ा हुआ है और उसमें क्या है ये 8 factorial means n factorial upon n minus r तो friends यहाँ पे n भी हमारी 8 है और r भी हमारी 8 है और यहाँ पे ये factorial friend ये 8 में cancel out तो यहां पे क्या बनेगा यहां पे 8 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल जैसा कि हमें पता है वो ऑलवेज 1 के होता है तो फ्रेंड्स यहां पे आ गए हमारी रिजल्ट 8 फैक्टोरियल अब 8 फैक्टोरियल को हम एक्सपांड करेंगे तो हमें जो भी रिजल्ट मिलेगी वो हमारी अरेंज्ड इन अ रो 8 डिफरेंटली कलर्ड इन अ बीड्स में तो फ्रेंड्स इसको हम किस तरह एक्सपांड करते हैं ये 8 7 6 5 4 3 2 1 अब इन नेचुरल नंबर की जो फर्स्ट नेचुरल नंबर इन सब की हम प्रोडक्ट करेंगे जो रिजल्ट मिलेगी वो हमारा आंसर तो फ्रेंड इनको हम प्रोडक्ट बना रहे हैं ये हमारे 6 और यहां पे ये हो गए 24 24 को 120 120 को 6 के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ये आ गया हमारा 12 1 ऊपर और 6 और 7 फ्रेंड्स उसके बाद फिर 7 से मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई फिर से ये 0 फिर से ये 14 1 ऊपर 49 ये हो गए 50 उसके बाद फ्रेंड फिर से 8 है मींस ये मल्टीप्लिकेशन हमारी बढ़ती जा रही है फिर 80 का 0 4 8 जा 32 तो 2 यहां पे 3 कैरी फिर 80 तो यहां पे फिर से 3 और 5 8 जा 40 यस फ्रेंड ये 40320 जो रिजल्ट हमें मिला है ये मिली है हमें नंबर ऑफ वेज इन डिफरेंटली कलर्ड अरेंज्ड इन अ रो यस फ्रेंड ये हमारा रिजल्ट आ गया 40320 उसके बाद फ्रेंड जो सेकंड पार्ट है उसमें कह रहा है अरेंज्ड इन अ सर्किल ऑन अ टेबल यस फ्रेंड अरेंज्ड इन अ सर्किल फ्रेंड्स जब भी वर्ड सर्किल का यूज हो ना जब भी वर्ड सर्किल का यूज हो और आपको परम्यूटेशन फाइंड करनी हो तो जितने आपके यहां पे परम्यूटेशन बन रहे हैं उसमें से एक सबट्रैक्ट करना है मींस इसका जो फार्मूला होगा पार्ट 2 का क्योंकि यहां पे वर्ड सर्किल टेबल सर्किल ऑन अ टेबल तो ये जो हम बना रहे हैं अब ए डिफरेंटली कलर्ड बीड्स वो एक टेबल पे हम सर्कुलर के फॉर्म में बना रहे हैं तो फ्रेंड इसमें आ जाएगा ये n minus 1 फैक्टोरियल यस फ्रेंड सर्कुलर की जब भी बात आएगी सर्किल की जब बात है n minus 1 फैक्टोरियल हम यूज करेंगे तो फ्रेंड 8 कितने 8 है हमारे 8 और फ्रेंड minus 1 और फैक्टोरियल तो 8 minus 1 मींस 7 और 7 मींस फैक्टोरियल तो फ्रेंड जैसा कि अभी-अभी हमने 7 तक मल्टीप्लिकेशन की है तो इसका रिजल्ट है 5040 यस फ्रेंड ये हमारे रिजल्ट में लिए 5040 ये किसके ये जब हमने अरेंज इट इन अ सर्किल ऑन अ टेबल किया है उसके बाद फ्रेंड एक और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यहां पे यूज की गई है जो स्पेशली कॉम्पिट एग्जाम तो पूछी जाती है कि फॉर्मड इन टू अ नेकलेस यस फ्रेंड नेकलेस की जब भी बात आए तो नेकलेस में क्या होगा ये फार्मूला वही रहेगा इस फार्मूले में एक तो नेकलेस की अगर बात करें तो वो सर्कुलर फॉर्म में होता है लेकिन नेकलेस वर्ड आएगा तो उसमें फिर से हमें हाफ करना होगा इस फार्मूले को तो फ्रेंड इसकी रिजल्ट आई है ये और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से जो भी इसकी रिजल्ट तो फ्रेंड ये थर्ड पार्ट जो हमारा है उसका आंसर आई होप आप दोस्तों को यहां तक जो हमने आज परम्यूटेशन पे क्वेश्चन सॉल्व किया है बहुत इजीली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स इस टाइप के बहुत सारे टेक्स्ट बुक में हमारे एग्जांपल हैं जो आप घर बैठ के आसानी से इन फार्मूलास की मदद से कर सकते हैं फ्रेंड्स अगर मेरी ये वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगी है तो प्लीज इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो